नोट्स से, सॉल्व पेपर से, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, एमसीक्यू वगैरह बहुत सी चीज़ों से पढ़ाई करें। बस अपने खुद के नोट्स बनाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का सोचें, अपना लक्ष्य निश्चित कर लें, तो इससे वो जरूर सफलता पाएंगे। ये है शैलजा दीक्षित, मध्य प्रदेश बोर्ड में 12वीं में 6वें स्थान पर रही एक उज्ज्वल छात्रा, जिसने अपने अध्ययन और पारिवारिक समर्थन से उच्च उपलब्धि हासिल की। शैलजा सागर के सरस्वती शिशु मंदिर में कॉमर्स विषय में पढ़ाई कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि में उनके पिता श्याम मनोहर दीक्षित की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो एक कथावाचक हैं, और उन्होंने शैलजा को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी माँ आशा दीक्षित ने घरेलू जिम्मेदारियों से शैलजा को मुक्त रखा, जिससे वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। शैलजा बताती है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए खुद के नोट्स बनाए और पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करके उन्हें हल किया। रिवीजन और नियमित अभ्यास ने उन्हें अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करने में मदद की। अच्छा, अभी ये जो 12th का रिजल्ट आया है और मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है, कैसा लग रहा? मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो कैसे तैयारी की इसकी आपने? मैंने नोट्स से, सॉल्व पेपर से, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, एमसीक्यू वगैरह बहुत सी चीज़ों की तैयारी की। अंक आए उनके 12वीं में या 10वीं में, तो किस तरह से वो पढ़ाई करें? बस अपने खुद के नोट्स बनाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का सोचें, अपना लक्ष्य निश्चित कर लें, तो इससे वो जरूर सफलता पाएंगे। शैलजा की सफलता में उनके शिक्षकों का भी बड़ा हाथ है, जिन्होंने सिलेबस समय पर पूरा कराया और ज़रूरत पड़ने पर विशेष मार्गदर्शन दिया। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो कुछ किसने आपके लिए खुशखबरी दी और क्या कर रही थी उस समय आप? मैं अपना रिजल्ट निकाल रही थी खुद ही। अच्छा। और फिर मैं प्रसाद लेने गई थी भगवान के यहाँ, भगवान को प्रसाद अर्पित करने गई थी, तो मुझे खुशखबरी मिली थी। अच्छा, पिताजी के क्या करते हैं? मेरे पिताजी पांडित्य का कार्य करते हैं। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप और परिवार में कौन कौन है? हम लोग 4 बहन हैं और 1 भाई है। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं दूसरी हूँ। अच्छा, अब आगे जैसे अब 12वीं क्या हो गए, अब आगे क्या बनना चाहती? मैं आगे सीए बनना चाहती हूँ। उनका कहना है कि इस सफलता का श्रेय उनके माता पिता और शिक्षकों को जाता है। शैलजा अब आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है और उनकी यह दृढ़ इच्छा शक्ति उन्हें भविष्य में भी सफलता की ओर ले जाएगी। शैलजा दीक्षित की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छी योजना, अथक परिश्रम और परिवार का सहयोग मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। लोकल 18 सागर से अनुज गौतम की रिपोर्ट।